फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले आएगा, इसकी डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, यानी एक्सप्लेन करो या इसको डिफाइन करो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिफाइन क्या होगी, इसे कहेंगे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, कब निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, व्हेन लाइट, हाँ लाइट ऑफ स्ट्राइक्स ऑन इट, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन थोड़ा सा एक चीज क्या है इसमें, सफिशियंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जैसे डिम लाइट है तब नहीं निकलेगा है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी लाइट सफिशियंट होनी चाहिए। जैसे कई बार देखो लाइट डिम आती है तो क्या होता है कि फैन वगैरह नहीं चलते या फ्रिज वगैरह नहीं चलते है ना, तो उसके लिए एक इस वर्ड को लिखना इम्पोर्टेंट है कि सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या होगी, फॉल ऑन इट या स्ट्राइक ऑन इट। तो जैसे ये मेटल सरफेस में पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमने देखा उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर। और दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, जो क्या कर रहे हैं, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये करता कैसे काम, देखो सोलर सिस्टम आपने बिल्कुल सही बताया, इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वैक्यूम चैम्बर लेना है, वैक्यूम चैम्बर। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, देखो प्रोसीजर का हम बता देते हैं, या एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसने, पहले उसने क्या लिया, एक वैक्यूम चैम्बर ले लिया, वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, अब वैक्यूम चैम्बर लेने के बाद उसने क्या किया, इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया। अब इसमें से आपको किसको देख के लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये वाला या ये वाला, सर राइट वाला, फर्स्ट, यस हाँ राइट वाला, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये राइट वाले को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, एनोड कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो कौन सा साइट होता है, इलेक्ट्रॉन को कौन, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये ध्यान रखना है आगे से कि कैथोड इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, जो माइनस चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहीं से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो सॉरी ये कैथोड हो गया आपके पास, और यहाँ पे क्या हो गया, एनोड हो गया, एनोड। ठीक, कैथोड एनोड दोनों तरफ हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही ऊपर से, तो पहले हमने क्या किया, वैक्यूम चैम्बर ले लिया, फिर हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड इसमें फिट कर दिए। ठीक है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। इसके लिए कलेक्शन करने के लिए होती ना एक बैटरी, देखिए आपने नीचे एक बैटरी रखी होती है, ऊपर हम सोलर प्लेट रख देते हैं, तो सोलर प्लेट से yes, इसमें बैटरी में क्या होता है, चार्ज होता, चार्ज होता रहता है, हाँ, तो इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है, देखो जो कैथोड साइड है, कैथोड में, इस कैथोड में हम क्या करते हैं, मेटल को फिट कर देते हैं, मेटल को। तो ये जो हमने फिट किया है, ये क्या किया है, मेटल। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद कनेक्टेड विद एमिटर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, अमीटर लगा सकते हो। अमीटर होता है जो किसको चेक करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, उसे कौन चेक करेगा, अमीटर चेक कर लेता है। ठीक है, करंट को चेक करने के लिए अमीटर होता है, इस तरीके से दिखाते हैं।
आप ये पता भी तो चलना चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे ही हमने क्या किया, लाइट दी, तो क्या होगा? जैसे ही हमने क्या किया, सनलाइट आई, सनलाइट ऊपर से यहां स्ट्राइक हो रही है, सनलाइट यहां से स्ट्राइक हो रही है ऊपर से, ठीक, इस मेटल पे आके टकरा रही है। इस मेटल पे जैसे ही टकराएगी, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलना इससे स्टार्ट हो जाएगा। इस समझ में आया? जैसे ही हमने क्या यस किया, सर। सनलाइट इस पे टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, प्लस की साइड को, प्लस, इलेक्ट्रॉन साइड है ना, तो ये प्लस की तरफ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे प्लस की तरफ, तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। और यहां से कैसे, अमीटर से हमें पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आने लग गई है। और यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, बैटरी में से कैप्चर कर लेंगे, यहाँ से बैटरी चार्ज हो जाएगी। हाँ ये चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम वर्क करता है आपके पास। तो सोलर सिस्टम का मेन रीजन है, इसी कॉन्सेप्ट पे सोलर सिस्टम बनाया गया, ताकि हम कैसे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सोलर पैनल को ऊपर रख करते हैं और इसकी बैटरी को हम घर के अंदर रख देते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, सनलाइट आती है, वो मेटल पे स्ट्राइक होगी, मेटल पे जैसे स्ट्राइक होगी, देखो इसमें क्या हुआ, जो सनलाइट थी, एक मिनट इसे हटा देता हूँ, जैसे जो सनलाइट है वो किस पे स्ट्राइक हुई, मेटल पे। और मेटल पे स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद किधर की तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ क्या हुए, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी हो रही नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एमिटर भी लगा दिया, वो क्या करेगा, आपको डिफ्लेक्ट करके बता देगा, ये हिलेगा तो आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है। जैसे हम टेस्टर लगाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, तो ऐसे ये भी क्या करने लगेगा, हिलने लगेगा यहाँ से। तो जैसे ही हिलने लगेगा, आप समझ जाओगे कि अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और अगर ये हिलेगा नहीं, अपनी जगह पे खड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही। फिर आप चेक करोगे दोबारा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये अमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये क्लियर हो गया आपके पास एक्सपेरिमेंट। यस अब उसने इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाले, देखो ऑब्जर्वेशन क्या किया उसने, ऑब्जर्वेशन उसने क्या क्या किया, ऑब्जर्वेशन या पोस्टुलेट भी कह सकते हैं इसे। पोस्टुलेट में उसने कहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, जैसे अभी आपके स्कूल में अगर क्या होंगे, टेस्ट होंगे, तो टेस्ट के लिए आपके टीचर कहेंगे कि देखो इतने मार्क्स लाने जरूरी हैं, तब आप पास हो सकते हो, अदरवाइज आप पास नहीं होंगे, ठीक है। तो सपोज आपके टीचर ने कहा 40% मार्क्स होने ही होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि कितने मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने लाइट दी और इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। हमने कहा देखो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे आपके टीचर ने कहा कि देखो 40% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं होगा, तो 40% क्या हो गए, थ्रेशोल्ड मार्क्स, थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम, कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए, नहीं अदरवाइज क्या हो गया, क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी इन्होंने कहा कि इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी होनी चाहिए,
ताकि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसे कैसे डिनोट करेंगे, देखो, डिनोटेड बाई ऐसे न्यू और नीचे ये बार, इस तरीके से न्यू नॉट। ठीक है, तो ये समझ जाओगे आप कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ कि अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल ले लिए, डिफरेंट मतलब अलग, कभी आयरन ले लिया, कभी कॉपर ले लिया, तो अगर डिफरेंट मेटल होगा तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम होगी या डिफरेंट होगी? सर डिफरेंट हो गया है। हाँ, डिफरेंट होगी क्योंकि सबकी क्योंकि पोटेंशियल अलग सबका अलग है। हीटिंग जैसे पुट हाँ, सबका नेचर अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, तो इनके लिए क्या होगा, सबके लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नहीं कहना है, हर एक के लिए अलग अलग होगी, तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो लाइट आप फॉल करोगे वो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो लाइट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हर हमेशा ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा, सपोज करो आयरन है, आयरन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, और आपने जो लाइट दी, आप लाइट देगो 300 हर्ट्ज वाली, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, बताओ? जो आयरन है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है 500 हर्ट्ज, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, और आप जो लाइट दे रहे हो सनलाइट वो है 300 हर्ट्ज, तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो सर। हाँ, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो कहता है कि कम से कम 500 हर्ट्ज हो या इससे ज्यादा हो तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो ये यस सर, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब वो थर्ड कहता है कि कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, तो जिसका लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो कम होनी चाहिए। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, रूबिडियम है और सीजियम है, तो बोलेगा बेस्ट मेटल कौन सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो अच्छा रिजल्ट देगा, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जिससे प्रोड्यूस होगी, वो कौन सा है? तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी वो बेस्ट क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मेटल होगा। आंसर कौन सा होगा इसमें से? सर आगे आरबी, ये वाला? यस सर। रूबिडियम? नहीं, उससे ज्यादा सीजियम। सीजियम का साइज सबसे बड़ा, फिर रूबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, लिथियम सबसे छोटा होता। तभी तो आप जब जाते हो मार्केट में तो कहता है देखो ये अच्छी क्वालिटी है, तो अच्छी क्वालिटी कौन सी, सीजियम का बना है, उससे बेकार क्वालिटी यानी थोड़ा रूबिडियम का बना है, उससे और बेकार क्वालिटी है यानी पोटेशियम का। तो जैसे जैसे साइज छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसको वो अच्छा मेटल नहीं है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, जितना बड़ा साइज होगा उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर है, इज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकलेगा उतना क्या होगा, गुड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेगा, शो करेगा, यानी वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा, सीजियम, सबसे बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे, फिर रूबिडियम, फिर पोटेशियम, तो इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर।
फोर्थ वो कहता है नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसी आपने लाइट दी वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। टाइम लैग का मतलब टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, यानी कि लाइट यहां से आ रही है फिर थोड़ी देर यहां पे रुकेगी तब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। नो टाइम लैग, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, जैसे लाइट इसमें पड़ेगी वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जैसे लाइट पड़ेगी वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी इसके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। तो उसे कहते हैं हम यहाँ पे नो टाइम लैग, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आपने क्या किया, लाइट डाली वैसे इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होगा, यानी वैसी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा, क्लियर है? यस सर। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे आगे, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट तो कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। अभी हम कह ही रहे थे कि वो नहीं बता पाया था कौन, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। हाँ, उसने कहा था इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन उन्होंने देखा कि जितनी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतनी तेज से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी की लाइट दोगे आप, उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है। जबकि मैक्सवेल कहता है कि इसमें कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो उसका कॉन्सेप्ट गलत था, इसीलिए वो इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो फिर पॉइंट समझ में आ गया कि जितना क्या होगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे या ज्यादा एनर्जी दोगे, ध्यान रखना एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे यानी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी की लाइट ज्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतना इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, यानी उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, तो क्या होगा, जल्दी चार्जिंग हो जाएगी। तभी दिन में क्या होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है तो जल्दी चार्ज हो जाता है, ज्यादा चार्ज हो जाता है। और शाम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम आती है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्लो चार्जिंग हो जाती है। क्लियर हो गया? यस सर। फिर उसने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता उसका, मतलब स्पीड पे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है और इंटेंसिटी है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन आ रहे हैं। अब 10 आए तो भी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, 20 फोटोन आए तो भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सेम रहेगी, 50 आ जाए तो भी सेम रहेगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जबकि मैक्सवेल क्या कह रहा था, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इसमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया था। और एक लास्ट है इसमें कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ या ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। अभी मैंने कहा आपको कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, अब देखो नंबर ऑफ फोटोन पहले 50 थे तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी 100 फोटोन एक सेकेंड में डाले तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इंटेंसिटी मतलब एक सेकेंड में कितने फोटोन आ रहे हैं, तो अगर एक सेकंड में 50 फोटोन आ रहे हैं तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतनी क्या होगी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बस, ठीक है। तो ये आपके 7 पॉइंट हो गए पूरे, क्लियर हो गए 7 के 7 पॉइंट। यस सर। याद हो जाएंगे सारे पॉइंट? यस सर। तो क्या क्या चीज बोली उसने, देखो पहली चीज क्या बोली थी, फर्स्ट उसने कहा था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह दो तो वही बात है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इसको ई नॉट से दिखाएंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी को। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसको न्यू नॉट से दिखाएंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब मिनिमम एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है ध्यान रखना। थ्रेशोल्ड जहां पे भी आएगा मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड। तो कहता है कि जो भी हम लाइट डालेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड के या तो बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। थर्ड वो कहता है कि जितना अगर हम मेटल को कंपेरिजन करेंगे तो जिसका साइज बड़ा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अच्छा फोटोइलेक्ट्रिक शो करेगा। तो जिसका साइज बड़ा होगा यानी जिसका लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। फोर्थ उसने कहा कि टाइम लैग नहीं होना चाहिए, यानी टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट मेटल पे पड़ा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसमें कोई गैप नहीं आएगा, नो टाइम लैग। फिफ्थ उसने कहा काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करने लगेगा, ठीक है, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट करना। सिक्स उसने कहा काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। और सेवन उसने कहा कि जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे लेकिन उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसके पोस्टुलेट्स हो गए। ये समझ में आ गया आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहां तक आपका दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और हमने जो वेव्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इसे याद करना है। इसमें जो आपकी बुक में है वो मेन कौन सा है, देखो इसमें जो बुक में है आपके पास वो तीन है बस, पहला ये वाला है थ्रेशोल्ड एनर्जी का, इसी के अंदर इसको दे दिया उन्होंने, ठीक है, लिथियम सोडियम, वो कहेगा सबसे अच्छा मेटल कौन सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो वो जिसका साइज बड़ा होगा सीजियम, ठीक है। दूसरा वो कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, और तीसरा वो कहता है ये वाला, आपकी बुक में आपको तीन मिलेंगे, और तीन कौन कौन से हैं, पहला ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसमें ये वाला कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज वो कहेगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, और तीसरा वो कहेगा कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जो वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, बाकी ये नहीं दिया होता, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। तो ये आ गया आपको समझ में? यस सर। तो ये आपका इतना, ये काफी बड़ा चैप्टर है वैसे। आप अगर आपका स्कूल में कितना चल रहा है? तभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, तो इसको देखो, इसमें काफी टाइम लगेगा,